पेटलावाद ब्लास्ट की चौथी वर्षी पर पीड़ित परिवारों ने खोए हुए अपनों को याद किया। पीड़ित परिवारों ने पेटलावाद के बस स्टैंड स्थित श्रद्धांजलि चौक पर पुष्पांजलि दी। शहर की शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ने भी श्रद्धांजलि चौक पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जिले के इतिहास में 12 सितंबर 2015 को हुए सबसे बड़े और दर्दनाक हादसे को पेटलावाद के युवा काले दिवस के तौर पर याद नहीं रखना चाहते। युवाओं ने इसे पर्यावरण संरक्षण के तौर पर याद रखने की मुहिम शुरू की है। युवाओं ने आज के दिन 78 मृतकों की याद में शहर के गायत्री मंदिर परिसर के समीप 78 पौधे रोपे, जिनके संरक्षण के लिए युवाओं ने 78 लोगों की टीम तैयार की है। मुहिम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधे की जिम्मेदारी देकर उन्हें आज रोपे गए पौधे के संरक्षण का संकल्प दिलवाया गया। युवाओं की इस मुहिम को स्थानीय रहवासियों के साथ स्थानीय विधायक ने भी समर्थन दिया। आज चौथी वर्षी है जो ब्लास्ट हुआ था सन 2015 में, उसकी चौथी वर्षी है। 78 लोग इसमें ब्लास्ट में मारे गए थे, तो उनको हमारे बीच में एक सांकेतिक रूप से जीवन प्रदान करने के लिए हमने आज 18 जो है 78 पौधे माई ट्री गार्ड के लगाए हैं। जन सहयोग से अपना ग्रीन पेटलाव जो है निरंतर पौधे लगा रहा है। 3500 से ऊपर अभी तक पौधे लगा चुका है और आज फिर 78 पौधे जो है जाली सहित यहाँ पे उन मृतकों की याद में हमने लगाए हैं और संकल्प लेंगे कि हर पौधा एक 78 लोग का एक ग्रुप बनाएंगे, एक एक पौधा उसकी जिम्मेदारी लेगा और संकल्प के साथ उसको बड़ा करेगा और जो भी मृतात्माएं हैं उनको हमारे बीच में हम लोग पौधे के माध्यम से जीवित रखें। दबंग न्यूज़ के लिए झाबुआ से नीलेश भानपुरिया की रिपोर्ट।